मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है और चुनाव में प्रचार प्रसार तेजी के साथ प्रत्याशियों के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मऊगंज विधानसभा से बीएसपी के प्रत्याशी आज हमारे साथ हैं। आज हम जानेंगे कि क्या मुद्दे लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं और कैसे इन्हें बीएसपी के द्वारा अपना प्रत्याशी बनाया गया और क्षेत्र से कैसा समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सरपंच से लेकर विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी तक का सफर कैसा रहा आपका? देखिए साहब, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता था और मैं बहुजन समाज पार्टी में 1993 से पोलिंग से लेकर सेक्टर से लेकर विधानसभा लेवल तक, जिला लेवल तक काम किया हूँ और बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा हमारे साथ में थे, जिसके कारण मैं सरपंची जीता, जनता के बीच में हमेशा मैं रहा। तो मेरी मैडम जो सरपंच बनी है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की देन थी कि मैं लोगों से जुड़ा रहा, हमेशा लोगों के बीच में रहता था, उसके कारण मुझे सरपंची भी, सरपंच का चुनाव मेरी मैडम जीती। और आज जो विधानसभा का टिकट मुझे मिला है, विधानसभा का टिकट मुझे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मिला है। तो इस पर तो तरह तरह की बातें आ रही हैं, क्या है पूरी सत्यता? जो बातें आ रही थी, देखिए वो बातें लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में मऊगंज की मऊगंज विधानसभा से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हमें, यानी भैयालाल कोल को जिस दिन से बहुजन समाज पार्टी घोषित की है, उस दिन से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है। वो गुमराह कर रहे हैं, खासकर हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं। भैयालाल कोल को टिकट मिल जाने के कारण कांग्रेस और भाजपा में हड़बड़ी है। बिल्कुल हड़बड़ी है। अब चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है, चुनाव प्रचार प्रसार अपनी गति पे चल रहा है, आप भी जा रहे हैं क्षेत्र में? मैं बराबर कंटिन्यू क्षेत्र में हूँ। क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं भाई साहब? मेरे पास, मैं बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसी राम साहब का अनुयायी हूँ, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अनुयायी हूँ, बहन कुमारी मायावती जी के अनुयायी हूँ मैं, हमारे मुखिया जो हैं बहन कुमारी मायावती जी, जब उत्तर प्रदेश में चार बार उन्होंने सरकार बनाई, चार बार मुख्यमंत्री बनी, तो अपने लोगों को खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य और आपका रोजगार, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दी हैं। मैं इन्हीं मुद्दों को लेकर अपने लोगों से क्षेत्र में जा रहा हूँ। कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर ऑलरेडी तैयार सीट है, क्योंकि यहाँ पर तीन बार बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत चुकी है, तो कार्यकर्ताओं का समर्थन मुझे भरपूर मिल रहा है। कौन जीते थे यहाँ से तीन बार? डॉक्टर IMP वर्मा। इस समय पे कहाँ हैं? डॉक्टर IMP वर्मा हो गया, विचार है अपने अपने, उनके बदले हैं, अब हम क्या बताएं। क्या इस बार कांग्रेस में टिकट की दौड़ में थे भाई? वो जो जहाँ थे वहाँ दौड़ लगा रहे थे। बिल्कुल, क्षेत्र में आप जा रहे हैं, भाजपा के द्वारा लगातार यहाँ से भाजपा के विधायक ही हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, क्या लगता है इन दो में से आप तीसरी पार्टी बनकर उभरे हैं तो क्या चुनाव का कैसा मुकाबला रहेगा मऊगंज से? ये देखिए जनता के हाथ में है। नहीं बिल्कुल, तो कुछ समर्थन आपको जो मिल रहा होगा वहाँ पे, उस कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? समर्थन जो मुझे जनता का मिल रहा है, मेरे समाज का जो मिल रहा है समर्थन, तो मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर में रहेंगी। यहाँ पर भाजपा के विधायक हैं, तो क्या लगता है भाजपा के द्वारा जो विकास कार्य करवाए गए हैं उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, भाजपा के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा विकास कार्य हुआ है जो जनता के बीच में किए हैं। जैसे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि विधायक का निजी बजट कार्यकर्ताओं के या जनता के बीच में आता है, वह विधायक निधि, यानी स्वेच्छा अनुदान राशि, तो ऐसा हम तो कहते हैं कि कैसे हमारे बहुत सारे लोग हैं, कोई बता दे कि हमें स्वेच्छा अनुदान राशि विधायक जी द्वारा मिली हो तो बताएं,
वो तो सरकार की योजना। देखिए सरकार चाहे जिसकी हो, जो योजना लागू होगी वो सरकार चाहे विधायक जो हो वो क्षेत्र में होगा ही, चाहे विपक्ष में हो, विपक्ष का यदि विधायक होता सरकार किसी और की होती तभी यहाँ लागू होती, योजना का लाभ सबको मिलता। बिल्कुल, विकास के कुछ आपके भी मुद्दे हैं? देखिए अभी हमारे पास ऐसा कोई मुद्दा लेके हम लोग झूठे लोग नहीं हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हम झूठ बोल के काम नहीं करते, हम झूठ बोल के मैदान में नहीं आते, हम तो जनता से इतना वादा कर रहे हैं कि आप यदि इस गरीब व्यक्ति को आप लोगों ने लायक बना दिया तो आप सबके सम्मान के लिए मैं रात दिन एक करूँगा। मऊगंज अब जिला बन चुका है जी, क्या मऊगंज जिले की मांग तो बहुत बरसों से चली आ रही थी? बहुत भाई, हमारे जब पार्टी के विधायक हुआ करते थे तब भी मऊगंज जिले की मांग किए हैं। मऊगंज जिला बन गया है, भाजपा के द्वारा बोला जा रहा है कि हमारे द्वारा जिला बनवाया गया है, कांग्रेस के द्वारा बोला जा रहा है कि हमने आंदोलन किया इस कारण से दबाव में जिला बनाया गया, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए ऐसा नहीं है, मऊगंज जिला बनाने के लिए बहुत कई बार हमारे जब विधायक हुआ करते तो विधानसभा प्रश्न तक लगाए थे, चिट्ठी लिखे हैं सरकार को, चिट्ठी लिखे हैं, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तभी उन्होंने चिट्ठी लिखा था कि मऊगंज को जिला बनाया जाए। अभी तो विंध्य प्रदेश की मांग चल रही है भाई, विंध्य प्रदेश जब जिसकी सरकार आएगी तो कर देगा, तो ऐसा थोड़ी ना कि जो आज मांग कर रहा वो कम्प्लीट उसी के हाथ से हुआ है। बिल्कुल, तो क्या लगता है मांग शुरुआत में किसके द्वारा की? देखिए जो यहाँ जो भी विधायक हुए हैं सब मऊगंज की जिले की मांग किए हैं, यहाँ से IMP वर्मा थे जी, उनके द्वारा भी की गई। हाँ, उनके द्वारा भी की गई थी। बिल्कुल, आपके पार्टी से पिछली बार मृगेंद्र सिंह यहाँ से थे प्रत्याशी जी, मत मिले थे अच्छे खासे, क्या लगता है मृगेंद्र सिंह अब भाजपा में जा चुके हैं फिर से आ सकते हैं BSP की तरफ कि बस वहीं रहेंगे? देखिए प्रजातंत्र है, वोट की राजनीति है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जो इच्छा पड़ेगी वो करेगा। बिल्कुल, अब चुनाव प्रचार कितने गांव तक आप पहुंच चुके हैं अभी तक? अभी तक पैसे देखिए तो मैं तो काफ़ी समय से इस क्षेत्र में ही काम कर रहा हूं, लेकिन कैंडिडेट होने के नाते मैं कंटिन्यू लगा हूं। अभी कल तक मेरा दौरा बसियाड़ा से शुरू किया था, कल तक मैं हनुमाना नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 तक पहुंच चुका हूं। आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, आपको जब टिकट दिया गया तो क्या आप इस उम्मीद में थे कि BSP के द्वारा हमें विधानसभा का प्रत्याशी बनाया जाएगा? इस उम्मीद में मैं नहीं था। क्यों भाई कार्यकर्ता हूं मैं, नेता की लाइन में था ही नहीं, मैं तो कार्यकर्ता की लाइन में था। बहन जी का आशीर्वाद है, बहन जी गरीब की मदद करती हैं तो गरीब को टिकट दे दी। तो अब चुनाव प्रचार प्रसार में आप मऊगंज से देखिए तो यहाँ का जो BJP के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, धन में भी यह बहुत आगे हैं, तो क्या लगता है इससे कुछ समीकरण बिगड़ सकता है या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? देखिए ऐसा है, चुनाव नोटों से नहीं जीता जाता, चुनाव वोट से जीता जाता है, वोट हमारे पास है। कितने मतलब समाज पार्टी जिंदाबाद, क्या लगता है कितने मत अभी तक हैं आपके पास? देखिए आपने ही कहा है कि पिछली बार बहुत अच्छे मत मिले थे बहुजन समाज पार्टी को, ठीक है, तो मेरे जाति के लोग भी हैं मऊगंज में, 43,000 के आसपास कोल बिरादरी के लोग हैं, और SC के वोट भी है, आप जानते हैं बेस वोट है बहुजन समाज पार्टी की, और यदि दोनों समाज हमारी खड़ी हो गई तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सब तीसरे चौथे नंबर में चली जाएंगे। जिसे आप अपनी बेस वोट बोल रहे हैं उसी को भाजपा भी अपनी बेस वोट बोल रही है, SC को और ST को? ऐसा नहीं, भाजपा गुमराह कर रही है। भाजपा के द्वारा तो साफ तौर पर बोला जाता है कि हमने विभिन्न योजनाएं लाई हैं जो कि घर घर तक पहुंच रही हैं, और जिसे आप अपनी बेस वोट बता रहे हैं उसी पर भाजपा की नज़र टिकी रहती है। भिन्न भिन्न योजनाएं भाजपा गिनाई कहाँ, क्या की है आप बताएं? कई सारी योजनाएं चल रही हैं यहाँ पर। नहीं नहीं, आप उन योजनाओं को ही नहीं मानते? हाँ। लुभाना है, वोट खरीदना है भाई। 19 यानी 17 साल से
माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, जब शुरू में वो मुख्यमंत्री बने थे तो लाडली बहना देना होता तो उनको शुरू में दे देते। आज 3 महीने 4 महीने से पेंशनधारियों की पेंशन बंद किए हैं, ये कौन सी योजना है भाई? जो गरीब खाने भी गर मर रहा है, जिसको जो पेंशन के आश्रित है, जिसको नमक लेना है, सब्जी लेना, जो पेंशन से ही करता था, उसका पेंशन बंद है, ये कौन सी योजना है? विवाह के लिए योजनाएं चल रही हैं, लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, अभी लेटेस्ट योजना आई है लाडली बहना योजना, 1250 अभी मिल रहे हैं 7 नवंबर। तो मैं वही तो बात बोल रहा हूँ कि 17 साल से मुख्यमंत्री थे तो देना होता तो 17 साल से, जब शुरू में मुख्यमंत्री बने तभी से देते लाडली बहना। आज चुनाव का वर्ष है, चुनाव के 1-2 महीने बचे थे तब लाडली बहना ले आए, उनकी नैया डगमगा रही थी तो सोचे कि लाडली बहना के भरोसे मैं अपनी लाडली बहनों से वोट ले लूँगा, इसके लिए तो लाडली बहना लाए हैं, पर ऐसा नहीं है। लाडली बहना गुमराह करने की योजना है। बिल्कुल, अभी हमारे साथ BSP के प्रत्याशी मऊगंज से भैया लाल कोल हैं, और भैया लाल कोल के द्वारा साफ तौर पर बोला गया है कि मऊगंज से अगर जातीय समीकरण सही रहता है तो फिर कोई भी टक्कर में नहीं आ पाएगा और BSP इस बार चुनाव फाइट कर जाएगी, लेकिन आंकड़े अभी चल रहे हैं और चुनाव का नतीजा क्या होता है, परिणाम क्या आते हैं, यह तो अभी मतदाता के हाथ में है और मऊगंज का मतदान किस ओर जाएगा यह देखना दिलचस्प होगा। 17 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। 3 दिसंबर को मऊगंज का विधायक कौन होगा और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आएगी यह साफ हो जाएगा। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।